आज हम बनाने जा रहे हैं चावल छोले, इनको लोग चने भी कहते हैं। ये देखें, जो साबुत चने होते हैं ना सफ़ेद, ये वाले हैं, ठीक है। ये देख लें, सबसे पहले मैं आपको इनका बता दूं, ये जो है ना चने मैंने बॉईल कर लिए हैं, देखिए, ठीक है। बॉईल करके मैंने इन्हें वॉश कर लिया, ये बिल्कुल उबले हुए चने हैं, ठीक है, साबुत चने हैं। ये मैं चावलों में डालूंगी, ठीक है। ये चावल है, ये देख लें, ठीक है। इनको मैंने ना 15-20 मिनट के लिए भगो दी है। ये जो है ना सीला चावल जो होते हैं वो वाले हैं, ठीक है, ठीक। इनको भगो के रख दिया साफ करके। ये प्याज हैं, ठीक है, इनको बारीक बारीक कट कर लिया, ठीक है, ये आपके सामने। ये टमाटर मैंने कट किए हैं, ठीक है। ये लहसुन अदरक और हरी मिर्ची हैं, उनका पेस्ट है, ठीक है। ये सारे ग्रीन मैंने आपको दिखा दिया, अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, मैंने पतीली ली है, ठीक है। अब इसमें जो है ना मैं ऑयल डालूंगी, ठीक है, और उसमें ये देखिए मैं आपके सामने जो है ऑयल डाल रही हूँ। अपने हिसाब से आप डालिएगा जितने चावल हों, ठीक है। ऑयल आपको पता है चावलों में कम ही डलता है, ठीक है। जैसे ही ऑयल गर्म होता है, ये जो प्याज हैं, ठीक है, ये मैं इनमें डाल दूंगी, ठीक है। ये देखिए, चटपट और बहुत मज़े के बनते हैं। बनाइएगा, ट्राई करिएगा और बताइएगा कि कैसे बने। अब ये प्याज ज़रा ब्राउन होने दें, फिर हम बाकी जो है ना इसमें मसाला जार डालते हैं, ठीक है। व्यूअर्स, प्याज जो है ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये जो आपके सामने मैंने आपको बताया। मैं आपको पहले भी बताती हूँ कि मैं कुछ भी स्किप नहीं करती हूँ, ठीक है, सब कुछ लाइव आपके सामने करती हूँ। जैसे ही हल्का सा मिक्स होते हैं तो हम ये जो टमाटर थे, ठीक है, कट करके रखे थे, ये डाल देंगे। मसाला जो है बिल्कुल भुना जा चुका है, ठीक है, उसके साथ लग रहा है। अब हम इसमें बाकी मसाला जार डालेंगे, ठीक है, साथ साथ आप जो है ना चम्मच को हिलाते रहिएगा, आँच ज़रा आप कम रखें ताकि, ठीक है। अब हम तमाम मसाला जार डालेंगे, ये देख लें, ये ज़ीरा पाउडर है, ठीक है, ये डाल रही हूँ मैं हाफ चम्मच, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे ये देखें, ये सूप, ये लाल मिर्च होती है ना, उसको कूट के रखा हुआ, ये डालेंगे हाफ चम्मच, ये भी, ठीक है। नमक देख लें, ठीक है, नमक आपको पता है, पानी भी डालेगा तो उस लिहाज से जो है ना
थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना चाहिए, ठीक है। ये देख लें सुरख मिर्च इतनी इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। ये तमाम मसाला ज़्यादा मैंने डाल दिए, मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली जो आपको लगे कि भाई। ये थोड़ा सा पानी है, पानी का छींटा लगा दिया है ताकि मसाला नीचे आ जाए, ठीक है। जब इसको हल्का सा भूनने में देखें, ठीक है। ये इतना जिसको ऐसे हम भूनेंगे, उसके बाद जो है ना फिर इसमें ये चने देख लें, ठीक है। ये मैंने वॉश करके रखे हैं, ठीक है। इन्हें हम डाल लेंगे अंदर, ठीक है। ये हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम पानी डालेंगे जितना डालने, ये देखें, ठीक है। ये मैंने सारे डाल दिए हैं, ठीक है। इसको हम हल्का सा जो है ना ये ना हल्का सा एक मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। ये देख लें, ये ज़रा इन्होंने ऑयल छोड़ दिया। ये एक गिलास पानी है, ठीक है, ये वाला। अब मैं आपको बता दूं, देखें बहुत सारे जो नए होती हैं ना मेरी बहनें, उन्हें पता नहीं चलता चावलों का। ये देख लें, ठीक है। ये जो गिलास है ना स्टील का, ये मैंने डेढ़ गिलास लिया है चावलों का। ये जो चावल आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ठीक है, मीन कि ये पूरा, और एक ये देख लें यहाँ तक, मीन कि ये हाफ इतना, ठीक है। डेढ़ गिलास मैंने चावलों का लिया है, ये देख लें। ये एक गिलास में पानी डाल रही हूँ, पानी इस वजह से कम डाल रहा है कि ये भीगे हुए हैं। इसको मैंने जो है ना ये कह लें कोई आधा घंटा हो गया इनको भगो के रखा हुआ, ठीक है। अब ये हल्का सा ये ज़रा पानी में बॉइल आता है तो हम राइस डालते हैं, ठीक है। ये देख लें, मैंने जो है ना पानी में बॉइल आ गया तो उसमें मैंने राइस डाल दिए। अब ये उबल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम इन्हें 5 मिनट तक पकने देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर इसको दम पे रखेंगे। ये देख लें व्यूअर्स, पानी जो है ना बिल्कुल खुश्क हो चुका है चावलों का, ठीक है। अब हम इनको दम पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं फाइनली रूप आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैंने एक साफ जो है ना दस मिनट के बाद मिलते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनली लुक मिलता है। मैं 10 मिनट हो चुकी हैं दम से इन्हें उतारने लगी हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं इनकी फाइनली लुक, ये देखिए कितने मज़े के चावल बने हैं, ठीक है। आप भी बनाएं
ट्राई करें और देख लें, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला जो जिससे लगे कि भाई बहुत एक्सपेंसिव। आपके सामने सिंपल सिंपल मैंने चीज़ों से बनाया है। आप भी ट्राई करें और बनाएं और मुझे बताएं कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ टेस्टी सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।